बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाही वबरकातुहु सब तारीफ़ें अल्लाह तबारक व ताला के लिए और बेशुमार दुरूद व सलाम सैयदुल मुरसलीन खातमुन नबीयीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर आज हम बात करेंगे एहसास नदामत और गुनाहों से नफ़रत के बारे में याद रखिए कि अल्लाह तबारक व ताली ने इस इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया है पुराने मजीद में अल्लाह तबारक व ताली ने फरमाया वमा ख़ल उजन्ना वल्सा लियाबून फरमाया कि मैंने जिनों इंस को तख्लीक नहीं किया मगर सिर्फ़ अपनी इबादत के लिए इंसान की ज़िंदगी का मकसद ही अल्लाह व ताल की बंदगी और उसकी इबादत करना है गुनाह क्या है एहसास नदामत क्या है हर वो काम जो अल्लाह और उसके रसूल अलैहि वसल्लम की नाफ़रमानी में किया जाए हर वो अमल जो क़ुरान और सुन्नत के मुनाफी हो हर वो बात जो शरीयत के उसूलों को पामाल करती हो उसे गुनाह कहा जाता है गुनाहों की अपने जाहिर और बातिन के अतबार से दो किस्में हैं कुछ ज़ाहरी गुनाह कहलाते हैं और कुछ बातनी गुनाह कहलाते हैं अल्लाह ताला ने फरमाया, व ज़रू इस्मी व बातिन हूँ फरमाया तुम जाहिरी गुनाहों को भी छोड़ दो और बातनी गुनाहों को भी तर्क कर दो आप अंदाज़ा कीजिए कि बाज़ अवत हम कुछ गुनाह अपनी ज़बान से करते हैं जब हम फहश कलामी या गाली गलोच से काम लेते हैं बाज़ात हम निगाहों की खयानत के ज़रिए से अपनी निगाहों को गुनाहों में मुबतला कर लेते हैं बाजात हम हराम बातों को सुनकर अपनी समात को नापाक कर लेते हैं लेकिन कुछ गुनाहों का ताल्लुक हमारे बातिन हमारे कल्ब और जहन के साथ होता है और ये दरअसल वो गुनाह हैं जो इंसान अपनी जबान से तो अदा नहीं करता लेकिन अपने कल्ब के अंदर गुनाहों के ख्याल और बुरे इरादों को जगह देता है और उस पर पूरे अपने अमर को मुसम्मम करते हुए फिर अपने गुनाहों के दिल के अंदर खयालात को पुख्ता कर लेता है और बाज गुनाहों का अमल और ऐसे काम जो बद अमली में शुमार होते हैं उन्हें अपने कल्बो जहन के अंदर दोहराता रहता है अल्लाह ताला ने फरमाया कि ज़ाहिरी और बातनी दोनों तरह के गुनाहों को तर्क कर दो हजरत दाता रहमतुल्लाह अलैह ने माजूब में फरमाया एक अल्लाह के नेक बंदे एक मकाम से गुजरे तो वहाँ पर आपने देखा कि एक शख्स भीख मांग रहा है आपने उस शख्स को देखा जबान से कुछ नहीं कहा सिर्फ अपने दिल में ये गुमान किया कि बाहिर तो ये शख्स बेहतर मालूम होता है क्या ही बेहतर हो कि यह शख्स अपने हाथ से रोजी कमाए और उस शख्स के बारे में दिल में बुरे ख्यालात आपने अपने मुकम्मल इरादे के साथ पुख्ता कर लिए रात को जब सोए तो ख्वाब में देखा कि एक बर्तन रखा हुआ है और एक फ़रिश्ता कहता है कि इस बर्तन में जो है उसे खाओ तो आप फरमाते हैं कि उन बुज़ुर्गों ने जब ख्वाब में उस बर्तन से कपड़ा हटाया तो देखा कि उसमें वही फ़कीर जिसको दिन में देखा था उसका मुर्दा गोश्त पड़ा हुआ है तो आपने फरमाया मैं मुर्दा नहीं खाता तो कहा कि फिर दिन में गीबत के साथ इस शख्स के गोश् को क्यों खाया था आप फरमाते हैं कि उस वक्त मुझे ये बात मालूम हुई कि अगर हम अपने दिल में भी किसी के लिए बुरा ख्याल लाते हैं तो दरअसल ये बातनी तौर पर दिल से किसी शख्स की गीबत करना है आप तवज़ो कीजिए कि गुनाहों की दूसरी कस्म गें कबीरा और गुनाहें सग़रा की सूरत में हैं गुनाह सगीरा वो हैं कि जिन पर अल्लाह तबारक व ताला ने कोई वईद कुरान में या आप अलैहि वसल्लम ने अपने हदीस में बयान नहीं फरमाई गुनाह कबीरा वो हैं कि जिन पर सख्त वईदें बयान की गई हैं गुनाह कबीरा वो हैं जिन पर सज़ाओं का बयान किया गया है जैसे चोरी करना बदकारी करना इसी तरह से किसी को कत्ल कर देना सूद और रिबा का लेन देन करना अपनी जबान से किसी की गीबत करना ये तमाम तर तरआमाल वो हैं कि जिन पर कुरान और सुन्नत में सख्त वईदें सुनाई गई तो याद रख लीजिए कि हर हराम काम का इरतक गुनाह कबीरा है अल्लाह ताला के तयद करदा फ़राइज को तर्क कर देना यह गुनाह कबीरा है अब हम इस बारे में बात करते हैं कि जब इंसान गुनाह कबीरा कर लेता है तो हर मुसलमान का नफ्स उसे मलामत करता है कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इस नफ़्स को नफ्स लवामा कहा कि जो एक मुसलमान को गुनाह करने पर मलामत करता है याद रखिए कि नदामत तोबा का आगाज़ है जब हम गुनाह कर लेते हैं तो हमारा ईमान हमारे दिल में कलमे का नूर हमें नादिम करता है कि तुमने इस गुनाह का अरतक करने के साथ तुमने अल्लाह ताला की नाफरमानी की है फरमाया अस्फ मुमाहा काफी नफसिक गुनाह वो है जो तुम्हारे दिल में खटकता है इंसान जिस बात पर नदामत पाता है वही तो गुनाह का काम होता है फरमाया इस तफ अपने दिल के मुफ्ती से सवाल करो जरा तोज्जो कीजिएगा कि कहा गया कि अतु अन नदामतु तोबा दरअसल नदामत का नाम है जब इंसान गुनाह कर लेता है अपने गुनाहों पर शर्मसार होता है अपने गुनाहों पर एहसास नदामत के साथ अपने आप को झंझोड़ता है और ऐसी कैफियत में अगर आँख से दो आँसू निकल आए, तो कुरान सुन्नत का वादा है कि अल्लाह तबारकवा तुनाहों को मुआफ़ फरमा देता है एक हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर किसी की आंख से मक्खी के सर के बराबर अल्लाह के खौफ से आंसू निकल आए तो अल्लाह तबारक वा ताला ऐसे बंदे के अस्सी बरस के गुनाहों को माफ कर देता है मैं ये समझता हूँ कि आज जरूरत इस बात की है कि हम अपने अंदर एहसास नदामत पैदा करें एक नौजवान ने जो इबादत गुजार था गुनाह का इरतक किया लेकिन इबादत को उसी तरह से जारी और सारी रखा तो दिल में ख्याल आया कि मैंने गुनाह तो किया है लेकिन इबादत में रुकावट पैदा नहीं हुई तो अल्लाह ताला ने उसके दिल में इल्का फरमाया क्या तुमने गौर नहीं किया कि तुम इबादत तो कर रहे हो लेकिन गुनाहों की वजह से तुमसे इबादत की लजत को छीन लिया गया है अल्लाह ताला हम सब के दिलों में एहसास नदामत पैदा फरमाए गुनाहों से हमें मुतनफ़िर करे और हमें नेकियां करने की तौफीक अता फरमाए व आखिर दावाना रब्बिल आलमीन